नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। जनपद में 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान होने जा रहा है, जिसकी सीमा बस अब से मुश्किल से 48 घंटे रह गई है। और आज हम फिर एक बार आम जनता की राय जानेंगे कि आखिरकार जनता परिवर्तन चाहती है या फिर वही पुरानी सरकार को चाहती है। तो हम इस संदर्भ में हम एक सज्जन से बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? मैं एक सूबेदार हूँ, प्रकाश। मैंने 28 साल फौज की नौकरी की है और इसके बाद भी 14-15 साल हो गए मुझे रिटायर हुए, और मैंने इस गांव को भी देखा है और स्थानीय लोगों को भी देखा है और इस सरकार को भी देखा है। इस सरकार में की क्या उपलब्धियाँ रही आपके हिसाब से? देखो, हर इंसान की दो तरह की सोच होती है। कुछ इंसान अपने लिए सोचता है, अपने गाँव को देखता है, और कुछ लोग दूरगामी सोच रखते हैं। जो दूरगामी सोच रखते हैं, अगर उसको थोड़ा भी नॉलेज है तो वो यही महसूस करेगा कि जो मौजूदा सरकार चल रही है वही अच्छी है और उसी में उन्नति होगी, वही प्रोग्रेस करेगी। ओम प्रकाश जी, जैसे आपने कहा कि मौजूदा सरकार की आप फिर से डिमांड कर रहे हैं, पर एक जनता में जो आक्रोश जा रहा है कि मवेशियों से जनता परेशान है। मवेशियों से जनता परेशान है तो मवेशी किसके हैं? मवेशी सरकार के तो है नहीं, मवेशी भी जनता के हैं। और अगर वो जनता जागरूक है और अपने मवेशी को संभाल के रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ही तो प्रॉब्लम बने हुए हैं, हम ही तो अपने जानवरों को छोड़ते हैं लावारिस। गवर्नमेंट तो छोड़ती नहीं है। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे प्रावधान रखे हुए हैं, वो सही सुचारू रूप से न अडेप्ट होने की वजह से ये समस्या आई हुई है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि यह समस्या आगे नहीं आएगी, सरकार तक इसकी पहुँच है। तो नाम क्या है सर? मेरा नाम अमित कुमार है, मैं खुजवाड़ी निवासी हूँ। अमित कुमार जी, ये बताएं कि 23 फरवरी के जो मतदान होने जा रहा है, उसमें कैसा नेता चाहते हैं, क्या परिवर्तन चाहते हैं, बताएं। बिल्कुल, डेफिनेटली आपने सही प्रश्न किया है। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि इस बार बिल्कुल परिवर्तन ही होना चाहिए, क्योंकि जब शासन में बैठे लोग निरंकुश हो जाएँ और जिसपे उनके बैठे हुए सरकारी मशीनरियों में सरकारी मशीनरियाँ भी भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाए, तहसील थाने जो वसूली का केंद्र बन जाए, तो निश्चित रूप से युवाओं को, बेरोजगारों को और साथ साथ जितने भी हमारे जितने भी क्षेत्रीय लोगों को पैसे सरकारों को अवगत कर देना चाहिए, बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। इतना परेशान, इतनी मतलब इतना ज़्यादा परेशानी है इतने समय, जिसको कहते नहीं बनता है। सर्वप्रथम जब ये बीजेपी सरकार भी सत्ता में आई थी तो उसने भी सबसे पहले उसने भी विकास का बहुत वादा किया था, कानून व्यवस्था का वादा किया था, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश देने का वादा किया था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कहीं से किसी प्रकार से कि भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा हो उत्तर प्रदेश। हाँ, एक चीज़ रही है कि उन्होंने कानून पर जो शिकंजा कसा है ठीक कसा है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आदेश किया गया है कि जनता के बीच में अच्छी तरीके से सौहार्दपूर्ण भावना रखनी चाहिए, लेकिन वो इस मामले में फेल है। शासन सत्ता जो है निरंकुश हो चुकी है बिल्कुल पूरी तरीके से, और कोई अधिकारी कर्मचारी सुनने को बिल्कुल तत्काल तैयार नहीं। अभी भी जैसे आप बात कह रहे हैं कि सारी कमियां आप बता रहे हैं, अगर सरकार की हम बात माने या आम जनता की बात माने, तो ये दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर जो रोडों का कचरा मुक्त बताया जा रहा था उस पर क्या आप कहेंगे? आप यहाँ से 5 किलोमीटर दूर वहाँ चले जाइए, जिनकी से आप बांदा तक चले जाइए, आप एक बार भी रोड को देख लीजिए, ये नहीं पता चलता रोड बना है कि गड्ढे बने, गड्ढा है कि रोड है, रोड पे गड्ढा है कि गड्ढे पे सड़क है, कुछ पता नहीं चलता है। आप दूर ना जाइए, आप इस क्षेत्र में कहीं भी जा रही है बिना किसी भी रूप में आप देख लीजिए, यहाँ पे किसी प्रकार कोई विकास नहीं। आज भी आप वो कैमरा के माध्यम देख सकते हैं कि जर्जर तारों की व्यवस्था है जो अभी तक नहीं बदला गया। सरकार कह रही है कि मैंने नौजवानों को नौकरियाँ दी, इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले आप अपने क्षेत्र पे ही सर्वे करा लें, कितने लोगों को रोज़गार मिला। सर्वप्रथम रोजगार के मामले में आपको एक बात बताऊँ, एक पैमाना होता है सरकार के पास में कि हमने ये दिया, झूठी हवाई खैर बोलने की या मान लीजिए ब्लो साइन बोर्ड या फ्लेक्स बोर्ड लगवाने से कोई ये नहीं पता चलता।
खुशियाँ वो होती जब लड़का रोजगार पाता, उसके चेहरे की लाइट अलग बताती है कि वो रोजगार के मामले में लड़का बदला नौकरी पाया है कि नहीं। आपको ये सरकार जो आई थी शिक्षा मेंटेन करने के लिए, ये नहीं कर पाए। ये रोजगार देने के लिए एम्प्लॉयमेंट के मामले में जीरो है, शासन व्यवस्था के मामले में जीरो है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, जनता दर दर भटक रही है। और सबसे बड़ी बात, आवारा जानवर, जो किसान रात भर पहरा देगा तो 5 साल में लाठी देके सर कोई चीज। और वो दूसरी बात नहीं, जो भी सांसद सत्ता का विधायक आ रहा है, सबसे ज्यादा जनता डंडों से स्वागत उनका कर रही है, डंडों से स्वागत कर बीजेपी के नेता घुस नहीं पा रहे गाँवों में, घुस नहीं पा रहे। कारण क्या रहा जो बीजेपी के नेता गाँव पे नहीं घुस पा रहे, तो उसका कारण क्या रहा? जब 4 साल तुम क्षेत्र में नहीं दिखोगे, जनता आपके दरबार पे पहुंचेगी या घर पे जाएगी, आप मिलते नहीं, आप लखनऊ में रहते हैं। जनता को चाहिए साफ सुथरा नेता जो हमारे बीच का हो, आप किसी के काम में ना जाएं लेकिन कम से कम अपना चेहरा दिखाते रहे। और एक बात बता दूं, डंका पीटना अलग चीज़ है, लेकिन जमीन पे जमीनी हकीकत की बात अलग है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकास नहीं। फतेहपुर जो पिछले समय भी था, आज भी फतेहपुर वैसे ही बदहाल स्थिति में है। नहीं, आपका कहना है कि फतेहपुर जैसे पिछली स्थिति में था, आज वही स्थिति में है, जबकि फतेहपुर से छः विधानसभाएं हैं और 6 विधानसभाओं में 6 सीटें जो बीजेपी के पक्ष में गई थी, तो ऐसा क्या कारण रहा? ये पिछली बार जो मोदी मैजिक के चक्कर में लोगों ने वोट दे दिया है, वो सोचने पे उतारू है कि यार उन्होंने किया क्या है क्षेत्र में। शासन सत्ता में बैठे हुए लोग जब जान जाते हैं कि नहीं, मैं तो अब निरंकुश हो चुका हूँ, बिल्कुल मुझे किसी प्रकार का कोई डर ही नहीं है, तो कहीं भी बैठे रहे, जब 5 साल बाद आते आपके सामने दिखाई पड़ेंगे। यहाँ डंडे लेके आदमी खेतों की वो कर रहा है, और ऊपर से सही बात बता रहा हूँ, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में जीरो। ये देखिए, बेरोजगार लड़के 6 साल से लड़का टहल रहा है, उसको रोजगार का कोई अवसर नहीं मिला है। सर्वप्रथम मैं आपको बात बता रहा हूँ, और रही बात ये है, जनता इसलिए नाराज है इनसे, जनता परिवर्तन चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। और मैं किसी पार्टी में इसका व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा दुकानदार आदमी हूँ। मैं आपसे चैनल के माध्यम से सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ, आखिर कब तक जनता को बेवकूफ़ बनाओगे? बबलू यही बताएं कि वर्तमान सरकार से आपको क्या क्या उपलब्धियां हुई और जनता को क्या परेशानियां हुई, ये भी बताएं आप मुझे। परेशानियां जनता को संतुष्ट किया नहीं जा सकता, कुछ तो कमियाँ रहती है हर सरकार में, लेकिन ये है कि सरकार में सब अच्छाइयाँ अच्छा काम हो रहे हैं, विकास भी हो रहा है, झंडे नहीं हो रहे, न कहीं पाठ हो रही है। जैसे आपने विकास की बात कही, तो विकास में जनता के बीच में आक्रोश उभर कर आ रहा है कि जनता परेशान है कि जो रोडों का बनाने का जो कार्य किया जा रहा था, उस पर आज रोड पर गड्ढे हैं, गड्ढे पर रोड है, ऐसा भ्रम पैदा हो रहा है, इस पर क्या कहिए आप? गड्ढे रोड में तो समझ जाए, मजबूत बने गड्ढे, पानी अगर जाता है उनमें या पानी रहता है तो गड्ढे तो बन जाए, चाहे जितनी अच्छी हो। आपका कहना है कि रोड चाहे जितनी अच्छी बने पर पानी, उस पानी आएगा तो होगा, तो क्या पानी जब रोड बनता है, बनाया जाता है, तो क्या पानी निकास की व्यवस्था का करवाने का काम सरकार के भी तो होता है ना? हाँ होता है, लेकिन नालियाँ बनवाई जाती है, लेकिन जरूरी तो बबलू जी आप ये मानने को तैयार हैं कि जो सड़क बनवाई जाती है, गवर्नमेंट तरफ सड़क बनवाई जाती है, पर बिचौलिया हावी हो जाते हैं, तो क्या गवर्नमेंट ने उन बिचौलियों के ऊपर कोई अंकुश लगाने का कार्य नहीं किया? तो आप इस चीज को स्वीकारते हैं कि सरकार में बंदर बाट की जो स्थिति है वो सबके सामने जग जाहिर है? जाहिर तो नहीं है, चुपचाप हम करते हैं, बीच में सरकार को पूरा प्रयास करती है, पूरा पैसा भेजती है। तो आप क्या सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते? धन्यवाद। नाम प्रताप जी, 23 फरवरी को मतदान होने जा रहा है, कैसी सरकार चाहती है? अगर सरकार कानून व्यवस्था और विकास मेन मुद्दा यही है, और सरकार जी का विकास किया है। पर बीच में जैसे आपने कहा कि सरकार ने काफी विकास किया है, पर जनता के बीच में जो एक आक्रोश दिखाई पड़ रहा है, जनता परिवर्तन की बात कर रही है, तो उसको क्या कहते हैं? आक्रोश तो इसकी अपेक्षाएं नहीं, तो ये एक चीज पे हम और आपसे प्रश्न करना चाहेंगे कि जैसे कि जो अन्ना मवेशी घूम रहे हैं, किसानों के जो है फसलों का नुकसान कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे?
और विकास के कार्य क्या क्या करवाए जरा गिनवाए आप। सड़क है, पानी है, सिंचाई के साधन है, बिजली है। तो आपके हिसाब से बीजेपी की सरकार बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। और क्या उपलब्धियाँ रही 5 सालों में बीजेपी सरकार की, होगी तो बताएं आप। राम प्रताप जी, एक बात और आती है कि जनता का कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा या सरकार द्वारा जो गरीबों के खाते पे जो पैसा आने की बात कही जा रही थी वो टोटली झूठी निकली है, उस पर क्या कहेंगे आप? पैसा आने की बात तो नहीं पैसा कहाँ भैया, तो जनता ही चिल्ला रही है। अरे पैसा तो जो आ रहा है किसान सम्मान निधि आ रही है। नहीं, इसके पहले भी तो जो है बताया जा रहा है, नहीं इसके पहले तो कहा गया था कि 15-15 लाख रुपए है चुनावी वादे के दौरान। ये सब अफवाह। नाम क्या है, नाम बताएं? हमारा नाम शमी अहमद। शमी अहमद, शमी अहमद जी ये बताएं कि जो 23 फरवरी को मतदान होने जा रहा है उसमें क्या परिवर्तन चाहते हैं? हाँ चाहते हैं साहब। क्यों क्यों चाहते हैं परिवर्तन? अरे साहब रोड इतनी खराब है, क्यों छोड़े जा रहे हैं? किसने छोड़ा? सरकार उन पर प्रतिबंध लगाने की बात क्यों नहीं कर रही है? अरे साहब अगर छोड़ेगा तो हमारी तुम्हें छोड़ा दे, मगर सरकार का ये चाहिए कि इनका आगे बढ़ावे, आगे सलावन का कैवन का यहाँ रखा है और सलावन का आगे बढ़ावे। एक बात और बताएगी, ये जो सरकार कह रही थी कि हम पेंशन, अरे साहब या को नहीं पिलसिल आवतिया है, या को नहीं आवतिया है, वहाँ उसका कहा था ओके लगे जाओ तो कहा था तुम्हारा आय इतनी है और हमारे पास कुछ नहीं है, कहा था। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? अरे हम तो कहा था भैया जब हमारा सुविधा करे सरकार बने। और क्या चाहते हैं वर्तमान सरकार से, क्या जो उम्मीदें थी उनमें आप कहाँ तक अपने को सही पाते हैं? हम तो कहा था भैया सलावा लगता है और हमें कुछ नहीं चाहिए, वो अपन तिलचिल दे दो नहीं दे रही कोनो बात है नहीं। करते क्या है आप? हम क्या कर रहे भाई, ठाड़ रहा धन तमाकू वगैरह कर रहे, किसानी का काम कर रहे। कितने बीघे खेती है आपके पास? अरे हमारे 2 बीघा है। 2 बीघे में क्या पूरा? अब मजदूरी भी कर लिया था साहब, मजदूरी भी कर लिया। सबको मिला के आप परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते नहीं, हमको पिलसिल मिल रहा है सबसे ज्यादा तो 1000-2000 रुपये आराम से हमारा तम्बाकू भर के तो हो। सरकार का कहना है 60 वर्ष के ऊपर को वाले को सीनियर सिटीजनशिप माना जाता है, उसकी वृद्धावस्था की पेंशन लागू की जाती है, तो क्या आपने उसका फॉर्म अगर अप्लाई किया? अप्लाई किया तो आय लगा दिन से तो कहा रहना हो। क्यों, जब 2 बीघे खेती आपके पास है तो आय तो बहुत लगा दी। जब देखभाल जाने आपने देखा कि हमने आम जनता की राय जानी, आम जनता की राय। बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि जिसकी सरकार थी उसी की सरकार होनी चाहिए, और एक किसान से हमने मुलाकात किया, किसान ने यही कहा कि नहीं हमें तो नुकसान ही नुकसान है, और उसकी जो सबसे उसका जो एक दर्द झलका झलकने भी उसने बताया कि हम 60 वर्ष होने के बाद भी हमारी वृद्धावस्था पेंशन नहीं बनी, और जब हमने फॉर्म अप्लाई भी किया तो वहाँ पर एक आय का जो एक मानक से ऊपर आय था उसको लगा करके हमारी पेंशन भी रिजेक्ट कर दी गई। तो अभी देखने वाली बात है कि कुछ सरकार की आगे आने वाली सरकार 10 मार्च को किसके सर पर ताज लगेगा, कौन उत्तर प्रदेश का मुखिया होगा, ये देखने की बात है। तब तक हम इंतजार करेंगे, पर इतना जरूर है कि जो हमने आम जनता की राय के बीच में जो लोगों के विचार जाने उसमें कुछ लोग परिवर्तन चाहते हैं, कुछ लोग परिवर्तन नहीं चाहते हैं, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन नीरज के साथ अमरदीप त्रिपाठी, प्राइम टीवी फतेहपुर। चौथे चरण का जो मतदान होना है 23 तारीख को, उसी के सिलसिले को लेकर आज हम लखीमपुर खीरी के गोला विधानसभा के सिकंदराबाद कस्बे में खड़े हैं। यहाँ पर हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या जो चुनाव आने वाला है, जो आगे चल के जो 10 मार्च को जो मतगणना उसी में क्या समीकरण आने वाले, कौन किसका चेहरा लोगों को पसंद है, आइए बिल्कुल बात करते हैं इन लोगों से।
बार किसको वोट देंगे, क्या मन बनाया है? देखिए, हम हमेशा से भाजपा ही रहे और इस बार 2022 में हमने समाजवादी को जब लगाने का मन बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा की सरकार में ये सांड जो छुटे हुए हैं इनसे बहुत नुकसान हो रहा है। अब की बार सपा 305 नहीं तो सांड ये क्या भाजपा ने छुड़वाए हैं भाई सब? किसके सांड हैं? अरे सांड भाजपा ही नहीं छुड़वाए, जब हमारे खेत पे क्या भाजपा की मोहर लगी है? अच्छा, आपको उम्मीद है कि सपा सरकार सांडों पे रोक लगाने में कामयाब रहेगी? है कुछ उम्मीद आपको? अग्रेस जी ने ऐसा कुछ कहा है कि सांड कुछ काम करेगी? सरकार रही तो हमें नहीं लगता है कि ये सांड की कोई समस्या हल होगी। नहीं, कहीं कहीं सुनने में आया है योगी जी ने, मोदी जी ने कहा है कि सांडों के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। क्या अखिलेश जी ने ऐसा कुछ वादा किया है आप लोगों से? अभी तक तो नहीं कर पाए। तो फिर आप पुराने भाजपा ही रहे, फिर सपा में एकदम क्यों प्रोग्राम बना दिया आपने? ऐसा क्या हुआ आपके साथ जी? ऐसा क्या हो गया जो भाजपा में थे आप एकदम सपा में पहुंच गए? हम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के क्रियाकलापों से प्रभावित होकर हमने सपा में आने का मन बनाया। अच्छा, मानी क्या नाम, अखिलेश जी से आप प्रभावित हुए? किन मुद्दों को लेकर आपने सपा ज्वाइन की है? ऐसे कौन से मुद्दे रहे जो उन्होंने 108, 102, 100 और 100 नंबर? नहीं तो 108, 102 तो 17 में भी चल रही थी, जब आपने 17 में भाजपा को सपोर्ट की थी, किया था जी? नहीं, उससे पहले ये अखिलेश यादव की ही देन है जो ये 108 और 100 ये। नहीं तो देन थी तो फिर आप 17 में क्यों सपा छोड़ी, भाजपा में गए और अब आप उन्हीं मुद्दों को लेकर फिर वापस जा रहे हैं? उनकी भैया सबसे बड़ी समस्या सांड है, आवारा पशुओं को लेकर ही आप जो है नाराज जी? आवारा, ठीक है। मतदान है, चुनाव होना है, मुद्दे को लेकर अभी आप लोग जो मतदान करना चाह रहे हैं? साइकिल देंगे, साइकिल को ही देंगे। अच्छे बातें भी किए अखिलेश। अच्छा, भाजपा या बसपा या कांग्रेस? नहीं, साइकिल, साइकिल को ही मतलब पूरा मुद्द बना लिए। और भी लोग हैं बाकायदा, उनसे बात करते हैं इस मुद्दे को लेकर, किस मुद्दे पर अभी वोट चाहिए? नई सरकार बनाना है। नई सरकार बनाएंगे, बिल्कुल क्लियर है। क्या क्या अखिलेश ने वादे किए हैं लोगों को बताएं? वो वादे किए हैं पूरे करेंगे, बिल्कुल पूरी तरीके से लोग अपनी बात रखते हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, क्या नाम है? क्या कल मतदान होना है, क्या सोचे हैं कि किस आपकी बार किसकी सरकार? सपा अखिलेश यादव। क्या अखिलेश ने ऐसे कौन से वादे किए हैं जिसको लेकर जनाधार जुड़ रहा है, बराबर लोग जुड़ रहे हैं उनसे? किसान, शिक्षा, बेरोजगारी। और बसपा या भाजपा या कांग्रेस? नहीं नहीं, उनका कोई मुद्दा नहीं, दिख नहीं रहा कहीं पे कुछ नहीं उनका। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? आशीष जी। क्या आशीष जी, आपकी जो कल मतदान होना है, क्या विचार है आपकी, किन मुद्दों पर लेकर आप लोग वोट करेंगे? साइकिल, विनय तिवारी जिंदाबाद। कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो आप लोग उनसे जुड़े हैं? वो एक तो साफ स्वच्छ ईमानदार छवि के आदमी है, हमारे भाईचारे जैसे रहते हैं और बिल्कुल हम परिवार जैसे उनके संबंध में, हमारे उनके लोगों के संबंध में बिल्कुल। इनको जो है विनय तिवारी का चेहरा अच्छा है, लोग उनसे वो सामाजिक व्यक्ति बता रहे हैं कि उनके साथ वो लेकर लोग जुड़ रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, संभ्रांत लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कपिल त्रिवेदी, एडवोकेट। त्रिवेदी जी, क्या जो कल मतदान होना है आपके विधानसभा में, क्या विचार है आपकी, क्या किन मुद्दों को लेकर लोग वोट करेंगे? ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे होने जा रहा है। भाजपा ने 15 रुपये गल्ला दिया और प्रचार ढूंढा पीटा 15 करोड़ का, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। इसके पहले सरकारें गल्ला देती थी, 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूँ मिलता था, तो एक आदमी 5 किलो गल्ला मिला, 15 रुपए गल्ला, प्रचार हुआ 15 करोड़ का। इसके अलावा उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। और एक बात बता दें कि 2014 के पहले यहाँ हिंदू मुस्लिम को नहीं जाता क्या शब्द होता है, जब से भाजपा सरकार आई तब से हिंदू मिलन होना शुरू हो गया। भाजपा कह रही है कि हम 300 पार जाएंगे। और क्या क्या मुद्दे हैं, क्या हिंदू मुस्लिम को लेकर कोई ऐसा दिख रहा है वोट होगी, या विकास के मुद्दे पर ही वोट होगी? अब आपको 300 पार की बात बताएं, आपने मीडिया पे देखा होगा हर रोज भाजपा का विधायक दौड़ाया जा रहा, मारा जा रहा है। उनके 300 पार का विधायक आने होते तो विधायक मारे नहीं जाते, क्षेत्र में नहीं घुस पा रहे हैं कहीं, इनका कोई मुद्दा ही नहीं बचा। अरविंद गिरी हैं आपकी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी हैं, और भी प्रत्याशी? अरविंद गिरी के बारे में सर्व विदित है कि गोला में हर जगह पे, चाहे गौशाला हो चाहे सतौदी, हर जगह कब्जा उनके द्वारा किया गया है। तो बिल्कुल, देखिए अपनी बात रखी, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मुखबर खान जी, कल मतदान होना है आपकी विधानसभा में, क्या सोचे हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है कल मतदान करेंगे आप? महंगाई मुद्दा है और आवारा पशु भी मुद्दा है लोगों का। तो और भी लोग हैं, सभी बात करेंगे। क्या नाम है? राजीव वर्मा। वर्मा जी, क्या
कल मतदान होना है, क्या विचार है, किन मुद्दों पर आपकी मतदान करेंगे आप लोग, और किसका चेहरा पसंद है, कौन मुख्यमंत्री आना देखना चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं अखिलेश के, क्यों जनाधार जुड़ रहा है, लोग उनसे बाकायदा जुड़ रहे हैं, अखिलेश के वादे या क्या है ऐसा जो लोग जुड़ रहे हैं? उनके जो वादे हैं वो पूरे पक्के होते हैं। क्या वादे हैं कुछ? अरे कोई भी सिंचाई करे फ्री थी, बहुत अच्छे वादे थे जो वादे किए हैं, उनको लेकर लोग जुड़ रहे हैं। और भी युवा हैं हमारे साथ, कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? त्रिवेदी। क्या त्रिवेदी जी, क्या आपकी किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? हेलो, बेरोजगारी और किसानी से संबंधित बात हो रही है और महंगाई का मुद्दा है, आपको और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजू मिश्रा। मिश्रा जी, क्या मुद्दे रहेंगे आपकी मतदान में? बहुत कुछ मुद्दे हैं भाई, हम तो धान बेचने गए, वहाँ धान 900 रुपये मांगा गया, बता रहे 1700 रुपये में बिक रहा है। हम तो वहाँ सोचा कि इसको लौट दें, लेकिन 900 रुपये बेच दिया, भाड़ा तो निकालना ही निकालना भैया। तो बाकी किन मुद्दों पर मतदान करेंगे आपकी, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं? समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। अनाज घोटाला हुआ है खरीदारी में, वो भी मुद्दे हैं किसानों के, उस पर भी लोग विचार करके वोट करेंगे। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, क्या मुद्दे हैं आपकी आपकी बार चुनाव गन्ने को कैसे मन बनाए हैं? गन्ना को इनका दिखाई क्या ऐसा हुआ है? भाजपा तो कह रही 300 पार जाएंगे, 300 पार तो नहीं दी है, बात चली गई है 3। तो पूरी तरीके से जो किसान है नाराज हैं, और भी मुद्दे हैं, और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? उस्मान खान। उस्मान खान जी, क्या आपकी कल मतदान है, क्या सोचे हैं? सपा का जिताएंगे, मतदान जो है जो है बीजेपी सरकार जो है जात बिरादरी लेके चल जा कर, आप लोग भाजपा है वो जातवाद को लेकर बातें करती है, आप तीनों विकास को लेकर ही वो मतदान करेंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे। एक लोग गन्ना भुगतान ना हुआ, गन्ना भुगतान नहीं हुआ। और भी लोग हैं, बात करेंगे उनसे। क्या नाम है? बोल दो। और भी लोग हैं, देखिए किसान है, गन्ना लेकर आए हैं यहाँ कोलू पे बेचने के लिए, आइए उनसे भी बात करते हैं। ये क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? दराज से आए हैं। क्या आपकी बार कल जो मतदान होना है, क्या सोचे हैं आप लोग? सपा को सपा को वोट देंगे। क्यों, क्या क्या ऐसी नाराजगी है मौजूदा पार्टी से या अन्य, क्या नाराजगी है लोगों से? देखिए पूरी तरह किसान नाराज है, महंगाई को लेकर नाराज है किसान, में डीजल महंगा है, खाद महंगी है, लोग भी मौजूद हैं इधर कैमरा में से चाहेंगे दिखाएं, लोग भीड़ है कि देखिए पूरी तरह लोगों ने अपनी बात रखी है, अपना पक्ष रखा है कि क्या करेंगे अब की बार। कल मतदान होना है लखीमपुर खीरी में, चौथे चरण का मतदान है लखीमपुर खीरी से। धीरज तिवारी, प्राइम टीवी, कैमरामैन मंजीत वर्मा के साथ। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।